अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शबाना खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थमोलॉजी, जीएमसी बारामूला। तो आज हम ये बताने आए हैं कि आई फ्लू जो है, या कंजक्टिवाइटिस जिसको पिंक आई भी बोलते हैं, पूरे मुल्क भर में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 400% इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ है, जो नॉर्मल केस आते थे उससे ज़्यादा, इस्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लाइक जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह में देखे गए हैं बहुत ज़्यादा केसेस। तो एम्स दिल्ली के मुताबिक वो हर रोज़ लगभग 100 पेशेंट देख रहे हैं इस आई फ्लू के। तो इन हमारे यहाँ जीएमसी बारामूला में भी, हमारे डिपार्टमेंट में लगभग दिन भर 15 से 18 केसेस हम देख रहे हैं, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि ये आई फ्लू बहुत कंटेजस है, फैलता है एक दूसरे को, तो इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है कि इसके क्या एहतियाती तदाबीर किए जाए। तो सबसे पहले कि इसके क्या अलामत हैं इस मर्ज के, तो पहले अलामत में इसमें ये है कि इसमें आँख जो होती है बहुत सुर्ख होती है, बहुत सारी खुजली आती है, पानी बहता है आँखों से, कभी कभी मोटा पानी यानी डिस्चार्ज भी आता है, और कभी कभी धुंधला भी दिख सकता है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट ये है कि ये खुद ही यूजुअली रिजॉल्व होता है 5-10 दिन में, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कॉर्निया इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से बीनाई पे असर पड़ सकता है। तो उसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि ल्यूब्रिकेंट्स देते हैं, एंटीसिस्टमीज देते हैं, और एंटीबायोटिक देते हैं, ताकि सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाए। तो एंटीवायरल्स यूजुअली हम नहीं देते हैं, उसका कोई रोल पाया नहीं गया है। तो एहतियाती तदाबीर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मर्ज फैलता है एक दूसरों को बहुत जल्दी, एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं कि पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब COVID-19 था तो तब ये केसेस बहुत कम देखे गए, क्योंकि उस वक्त हम पर्सनल हाइजीन की तरफ बहुत ध्यान देते थे। तो अब जबकि वो ख़त्म हुआ तो हमने वो छोड़े, तो इस वजह से मे बी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो ये एक दूसरे से, एक आँख से दूसरी आँख पे फोमाइट से फैलता है, यानी पार्टिकल्स।